प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अरोमा थेरेपी कैसे हेल्प करती है पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने में। पहले तो आपके लिए समझना जरूरी है कि अरोमा थेरेपी है क्या। जितने भी आपने मार्केट में आजकल सुना होगा एसेंशियल ऑयल्स बहुत इन ट्रेंड है। हम रूम में कभी कपूर जलाकर रखते थे जिसकी खुशबू से आपको एक अच्छा ऑरा महसूस होता है, अच्छा फील होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम मोस्टली देखते हैं लोग घरों में जलाते भी हैं। तो वैसे ही बहुत से एसेंशियल ऑयल्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे आपका लेवेंडर ऑयल है, यूकलिप्टस ऑयल है, पेपरमिंट ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, कैमोमाइल ऑयल आता है, या फिर हम कपूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, मोस्टली जब आपने देखा होगा आप पूजा कर रहे हो, अगरबत्ती आप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, जिसकी अगर अच्छी फ्रेग्रेंस होती है तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, अच्छा फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है। तो वैसे ही अरोमा थेरेपी के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं पैरालिसिस के पेशेंट की रिकवरी में। वो कैसे, उसको आइए हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मोस्टली हमने क्या देखा है कि पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी किसी को लकवा हुआ उसकी जो मोबिलिटी थी, मतलब चलना फिरना था या बोलना था या डेली रूटीन में जो वो काम करता था, अब वो रुक गया है, वो हैम्पर हो गया है, वो चल फिर नहीं पा रहा, दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया है। कोई बहुत ही एक्टिव पर्सन था और वो एकदम से अचानक से उसे ऐसा कुछ हो गया एक ही दिन में, तो वो कम्प्लीटली डिप्रेशन में चला जाता है कि अचानक से मुझे क्या हो गया, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में जब हमारी पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को घबराहट, एंग्जाइटी बनी रहती है, नींद नहीं आती, इरिटेशन बनी रहती है, तो वहाँ पर आपकी जो नींद की गोलियाँ हैं वो कम काम करती है रैदर दैन आपकी अरोमा थेरेपी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। क्योंकि नींद की गोली आप खाएंगे, आपको कुछ देर नींद आती है और कभी कभार पेशेंट यूज टू हो जाता है, वो भी काम नहीं कर पाती। तो अगर हम अरोमा थेरेपी की बात करते हैं तो आप सोने से कुछ देर पहले या शाम के समय से ही अपने घर में उसको जला सकते हो। डायरेक्टली रूम में भी ना जलाकर आप रूम से बाहर थोड़ा सा, जो रूम की विसिनिटी के आसपास ही हो, मतलब रूम आपका साथ में ही हो, उस एरिया में भी आप कोई ना कोई एसेंशियल ऑयल को यूज कर सकते हैं। हमारे बहुत से लैंप्स आते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप्स आते हैं, जिनके ऊपर आप उनकी कुछ ड्रॉप्स डाल के छोड़ सकते हैं और उससे वहां पर फ्रेग्रेंस क्रिएट होती है। तो ये कैसे हेल्प करती है, ये हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि ब्रेन को काम डाउन करने में हेल्प करती है। तो जितना आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उतना आपके ब्रेन को मौका मिलेगा दोबारा से रिकवर होने का, नए कनेक्शंस दोबारा से बनाने में। क्योंकि जब भी स्ट्रोक होता है तो आपके ब्रेन के अंदर इनिशियली कुछ दिन न्यूरोप्लास्टिसिटी चलती है, मतलब ब्रेन रीवायर करने की कोशिश करता है। एक कनेक्शन जो टूट गया वो दोबारा से सेम नहीं बन पाता, लेकिन अदर कनेक्शंस वो बनाने की कोशिश करता है जिसकी मदद से आपकी रिकवरी आ रही होती है। तो ये अगर हम चाहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहे तो हमें क्या करना है, अरोमा थेरेपी हेल्प कर सकती है इसके लिए, क्योंकि ब्रेन को रिलैक्स करेगी, आपको काम रहने में हेल्प करती है, साथ के साथ आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक एंग्जाइटी, बहुत घबराहट रहती है, सोचते ज़्यादा हैं, नींद नहीं आ रही है, गुस्सा बहुत रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है या किसी से बात तक करने का मन नहीं करता है, उसको भी ये सॉल्व करने में हेल्प करती है। क्योंकि आयुर्वेद में एक टर्म दी गई है, एक श्लोक कहा गया है, नासा ही शिरसो द्वारा, मतलब आपकी जो नेजल बोन है वो सीधा आपके ब्रेन में जाकर खुलती है, स्कल के साथ, ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो जो भी हम इनहेल कर रहे हैं वो हेल्प करता है आपकी ब्रेन की रिकवरी में। मोस्टली आपके कुछ ऐसे नेजल ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो नाक में डालने को कहा जाता है, जैसे हम बचपन से सुनते हैं आप बादाम का तेल नाक में लगाइए आपका दिमाग तेज होगा। तो ये कैसे होता है साइंटिफिकली, क्योंकि आपकी बोन की कनेक्टिविटी नेजल बोन की ब्रेन के साथ भी है शॉर्टली, तो वहाँ पे इथमोइडल जो प्रोसेस है, इथमोइड बोन है, वो हेल्प करती है साथ में कनेक्ट करने के लिए। इसलिए अरोमा थेरेपी जो है वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में साइंटिफिकली भी हेल्प करती है। तो आप भी इसको आज से ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि कितना बेनिफिट आपको मिला इसको ऐड ऑन करने से आपके रिकवरी फेज के अंदर। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।